गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल और मेरे ब्लॉग पे। तो अभी मेरे गोवा के ब्लॉग चल के आ रहे हैं, आज से स्टार्ट होंगे क्योंकि आज सुबह ही हम गोवा पहुंचे हैं। बस थोड़ा सा नहाए धोए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, तो आपको दिखाती हूँ जहाँ हम ठहरे हैं। तो हम जहाँ ठहरे हैं वो है एक रिजॉर्ट, आप देख सकते हो। तो हमारा टूर है 5 दिन का, तो 5 दिन हमको यहीं रहना है। तो आज घूमने का तो कहीं बनाया नहीं क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है, बस ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, नहाए धोए हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे और देखते हैं शाम को निकलेंगे। तो आपको दिखाती हूँ पूरा ये इसका व्यू। अभी सब रेडी हो रहे हैं तो कोई सब नहाने धोने में लग रखे हैं। तो ये देख सकते हो आप कितनी शानदार जगह है, इसमें स्विमिंग पूल भी है। तो आप देख सकते हो। और अभी हम मैं दिखाती हूँ, चलती हूँ रूम में। हेलो हेलो दक्षु, और ये देखो सो गया बाबू। क्या हो रहा है यहाँ, टीवी देखने के लिए आई है? हैं पी गई अभी कोल्ड कॉफी पीनी है, आ रही है अभी, फिर उसके बाद क्या करना? उसके बाद घूमने चलेंगे। तो उसके बाद घूमने जाएंगे तो आपको जितना हो सकेगा उतना पूरा ब्लॉग बना के दिखाऊंगी घूमने का, कौन सी जगह हम जाते हैं। तो हम हमने वैसे कोटा से मडगांव की टिकट करवाई थी, लेकिन हम थिविम ही था ना, कौन सी जगह थी वो? थिविम रेलवे स्टेशन ही हम उतर गए थे क्योंकि जो होटल वालों ने गाड़ी भेजी थी उनको भी वहां से लाने में सहूलियत होती, तो हम उसी से आए थे। और हम कल के लिए घूमने के लिए देखते हैं, हम कोई गाड़ी वगैरह ही हायर करेंगे क्योंकि इतने जने हैं तो फिर गाड़ी से जाना पड़ेगा, स्कूटी वगैरह से तो होगा नहीं। और ये देखो हम घूमने का प्लान बना ही रहे थे कि बारिश आ गई, और इनको भी आप देख सकते हो, इनको बालकनी, इनकी बालकनी से हम बातें कर लेते हैं इनसे। क्या कर रहे हो? ये बारिश देखो कितना अच्छा लग रहा है मौसम, मुझे लग रहा है आज हमको पूरे दिन यहीं पे रहना है। वाओ कितना अच्छा लग रहा है बाहर। तो ये आ गए मयंक जी तैयार होके। अभी दीदी तैयार नहीं हुई, ये हमारी भाभी है, ब्लॉग बना रही है। कैसा लग रहा है आपको गोवा आके? बहुत बढ़िया, मौसम बढ़िया, हम भी बढ़िया, सब बढ़िया। तो ये आ गई हमारी कोल्ड कॉफी। और ये देखो अब भाभी भी तैयार होके आ गई, हेलो करो। है चल रहे हैं। और ये क्या पी रहे हो? तो हम जा रहे हैं अंजुना बीच। स्कूटियां हायर की है जाने के लिए, 4 स्कूटियां ली हैं। क्या अपन रेड वाली ले लें? ले।
तो हम स्कूटियों से निकल रहे हैं अभी तो। हमारे न्यू कपल देखो कैसे खड़े हैं, जो फोटो। और कैसा लग रहा है गोवा? और दीपू अच्छा लग रहा है। ये देखो कैसे शर्मा रहा है, कहाँ है ये छोटू सा? गोवा घूमने आया है। पीछे स्कूटी आ रही है, हट जा। मैं सुधरूं पहले हेलमेट लगा लो। अरे हम निकल पड़े स्कूटी पे गोवा की रोडों पे। तो लग रहा नहीं क्या? नहीं इसमें नहीं लगता। क्यों? ढीला हो जाता है। राइड करने का नहीं कर? राइड करने खराब हो गया। राइट लेफ्ट, राइट लेना है शायद। बारिश आ गई इसमें है ना, करने कुछ नहीं के अंदर, इसके अंदर पता नहीं। और ये हम आए हैं छापोड़ा फोर्ट, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे बीच की ड्रेसें वगैरह सब मिलती हैं। मौसम भी अच्छा हो रहा है घूमने वाला। अभी यहाँ से आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, कितना कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। देखो ये देखो सामने समुद्र, और इतनी मस्त वाली हवा चल रही है यहाँ एकदम। चलो अब पैदल चलो। कहाँ से बोल रहे थे सीमा? आ रहे था इसलिए हमने मना कर दिया था पहले ही। वाओ इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। फोर्ट कहाँ? यही फोर्ट है क्या? यही लग रहा है हमें तो। ये चिंकी मैडम सेल्फी लेते हुए। आपको दिखाते हैं यहाँ से अरब सागर, अरेबियन सी। ये अरब सागर है, ये है अरेबियन सी। वाव ये देखो नारियल के पेड़ ही पेड़, कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ से। गाइस यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हो, कितनी मस्त हवा चल रही है। मेरा वाला सैमसंग ही है, मेरे वाले में भी अच्छी आती है। हैं? हाँ। और वो तो फिर यहाँ पे देखो फोटो शूट चल रहा है कादे में। कादे में मत पड़ जाना। ओहो न्यू कपल। नहीं वीडियो में सब आएगा। और कैसा लगा यहाँ सबको आके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा।
आप आगे जाओ, पीछे रह रहे हो। हमारी आंखों को बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। बैंक जी की आत्मा तृप्त हो गई। रौनक देख देख के है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये हमारी पार्ट क्या है? अपन अपन क्या है सब? इसमें आवाज नहीं जाएगी। योगी फैमिली हम है, योगी। आज तो मैं मौसम इतना अच्छा हो रहा है, आगे, आगे मस्त वाला। और इनका ये फोटोशूट खत्म नहीं हो रहा, लड़कों का। ये लड़कियां हो रही हैं चार। अब तो ब्यूटी टिप्स पे वीडियो भी नहीं बना सकते। बरसात के ये बिन बादल बरसात कभी आ जाती है पता ही नहीं लगता इसका।